हेलो गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज एंड गर्ल्स मेरा आवाज़ आ रहा है आचल शिवानी लॉय टू मैन वंदना नेहा विशाल सत्यम ईशू तेजस्वी सभी लोग का आवाज़ आ रहा है कुशल हेलो अंशु हाय उदीपन आज तो मतलब पहले ही आग है मतलब पहले ही आग लेके बैठो यार मैं करूं मैं क्या बोलू अब मेरे लिए कुछ कहने सुनने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है आप लोगों ने पहले ही आग लगा के दे दी अब मैं कहूँ तो क्या कहूं है ना लेकिन अच्छा लगता है ऐसे जब पहले से ही ऑलरेडी आग आ जाती है अब लाइक ठोक दो फिर आग दे दी है तो लाइक ठोक दो अब आप बोलोगे सर वो भी कर लिया तो फिर बस बैठ के क्या करे गुड इवनिंग करो ज्योति नेहा पल्लवी अंकिता सोनम सभी का स्वागत है वेलकम हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल से फाउंडेशन मैं हूं है दोस्तों और मैं आगे हूं एक और जबरदस्त क्लास लेकर आपके सामने आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने अभी तक मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हम रिज्यूम राइटिंग आज हमने स्टार्ट कर दिया कल रिज्यूम राइटिंग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आई एम एड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन एंड प्रोफेसर पैशन आई वंडरफुल एंड वंडरफुलस ग्रिप ऑन लॉ रीजन मैं काफी टाइम से लॉ एंड बी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अमेजिंग 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 तरीके से पढ़ सकते हैं ऑल्सो प्लीज डू डू जॉइन आर टेलीग्राम चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो प्लस के बेनिफिट्स आप सभी लोगों को पता है कि आपको लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो प्लस के अलावा आपको पर्सनलाइज गाइडेंस स्टीडी प्लान है स्टडी मेटेरल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी मिलती है प्लस के ऑप्शन कई सारे थ्री मंथ सिक्स पॉइंट ट्वेल्व वन ट्वेंटी फोर मंथ और सारे ऑप्शन में सी आदर्श गोई टू गव यू मैक्समम पॉसिबल डिस्काउंट आइकॉनिक अगर आप जाते होते 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 तो आपके पास ऑप्शन होता है सिक्स पॉइंट ट्वेल वन ट्वेंटी फोर मंथ और यहाँ पर भी सी आदर्श डेफिनेट गॉइन टू गिविव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दोस्तों एल एल पी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट ये नोटिफाई किया गया था uh, इसमें टोटल 81 सेक्शन है जो कि चार स्कड्यूल्स में डिवाइडेड है पहला स्केड्यूल राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन द एल की बात करता है इसके बाद सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये कन्वर्जन की बात करता है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एल कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू एल एंड कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंटू एल एल के बारे में सारा सब कुछ मैनेज करने का काम एम और आर के हाथ में दिया है और यही कारण है कि हमको एम सी इनकी जो ई e सर्विस वेबसाइट है उसके ऊपर एल के भी सारे फॉर्म्स डिटेल्स और सारे कंप्लायसेस वहां से आप कर सकते हैं वहां सारे फॉर्म डिटेल्स मिलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू डज नॉट अप्लाई ऑन एल एल पी ना इंडियन कंपनीज ना कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन भी अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट इफ एल एल पी एक्ट सेज दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंपनीर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई तभी वो अप्लाई होगा जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अदरवाइज दोज नॉट अपलाई ऑन एल एल पी सर एल एल पी की जरूरत क्यों थी हमको चाहिए था ना वी वॉन्टेड समथिंग विद्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी तो पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी का सिक्योरिटी ये दोनों हमको एक ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए था इसलिए हमने एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बना लिया जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होता है क्या इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी यहाँ पे इट्स एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी टू इट्स पार्टनर टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एल एल पी इट विल बी लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ टूअर्स ऑल इट्स एंड लाइबिलिटीज बट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड जस्ट इन द केस ऑफ

मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द बॉडी कॉर्पोरेट पटाओ फटाफट वेरी गुड वॉट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी एज पर सेक्शन थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स और सेक्शन टू प्लस ट्वेंटी थर्टीन एंड इट इंक्लूड्स क्या क्या, -क्या, -क्या, -क्या इंक्लूड होता है एल एपी रजिस्टर्ड इन इंडिया एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया कंपनी इसमें से क्या एक्सक्लूड होता है सर कॉर्पोरेशन सोल एक्सक्लूड हो जाते हैं कॉपोरेटिव सोसाइटी एक्सक्लूड हो जाती है और, और क्या अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूड हो जाते हैं अदर बॉडी कॉर्पोरेट से कंपनी और एलपी भी एक्सक्लूड हो जाता है तो एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन इंक्लूजन बन जाता है कॉर्पोरेट ये दिया है आपको सेक्शन टू क्लॉज़ डी के अंदर एक्चुअली सेक्शन टू सबसेक्शन वन क्लॉज़ डी है मैंने आपको कल ये भी तो कल का क्लास अगर आपने मिस किया तो एक बार थोड़ा फुर्सत से टाइम निकालकर इसको देख लेना आज मैं आपको बताने वाला हूं मैंने आपको बिजनेस बताया आज मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम क्या है ये टू जे देखा तो ये जाना सनम सर इसको आप स्टार मार्क कर लो बिकॉज दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्स विच इज द डेफिनेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सो आर यू गाइस एक्साइटेड आर यू गाइस रेडी मेक समय गाइज रेडी आई यू गाइस रेडी डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू वैक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉस जे ऑफ द लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप एक्ट टू थाउजेंड यू रेडी गाइज मेक सम डीजे की तरह फील हो रहा है मेरे को डीजे सर की तरह नहीं डीजे ऐसा है ना टट 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 ऐसा फील हो रहा है क्रोल करने में चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स स्टार्ट विथ आवर डेफिनेशन लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन ओके अरे भाई साहब वेन एवर इट इज आस्ट इन एग्जाम आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा वॉट इज वॉट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एल एल पी ठीक है वॉट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन ठीक है अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं जो जो आपको बिल्कुल भी लिखनी नहीं है छोड़ जाने तो नहीं बताता वरना आप लोग ना बाद में फिर मेरे को परेशान करोगे नहीं बताता कैंसिल नहीं नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं ठीक है मैं कुछ बताने वाला था आपको लेकिन फिर क्या है मेरे को समझ में आया कि आप लोग को ऐसी कोई चीज बताओ तो आप लोग बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हो और फिर आप बहुत सारे उस पर सवाल पूछते हो और वो चीज मैंने इसे समझने के हिसाब से, से बताई रहती है फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बताया है ना ऐसा मेरे साथ इस क्लास में दो तीन बार हो चुका है कि भाई मैं समझाने के लिए बता रहा था बट बच्चों ने एकदम लिटरल ले लिया तो अब मैं वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं बताऊंगा अब मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाने वाला हूँ वॉट इज सेक्शन वॉट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर ठीक है नहीं 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 बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा अच्छा पहले अगर मैं बताऊंगा अगर आप प्रॉमिस करो कि सर इसको हम सिर्फ सुनेंगे और इग्नोर कर देंगे ऐसे दिल पे नहीं लेंगे आपको सवाल नहीं पूछेंगे इसके ऊपर अगर आप ये प्रॉमिस करते हो तो मैं बताता हूं पक्का पक्का अच्छा ठीक है देखो भाई सिंपल हिंदी हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज नॉट रिटर्न इन द बुक्स दिस इज नो वेयर इंप्लाइड इन द बुक्स आई एम सेंग दिस सेंटेंस ओनली टू रिलेट सम कंसेप्ट टू यू आई रिपीट दिस इज नॉट इन द बुक इट इज आउटसाइड द परव्यू बुक्स टू से तो आपको कंपनी के अंदर दो तरह के लोग नजर आते हैं एक होता है मेंबर्स ओके okay? ये कंपनी को बनाते हैं ये कंपनी को ओन करते हैं और यही मेंबर्स कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो मेंबर्स जो कंपनी चला रहे मैनेज है, करते हैं कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी उन लोगों को कहा जाता है डायरेक्टर्स अगर यही चीज मैं अगर हमारे एल एल पी के इसमें लेकर आता हूं अगर मैं एल एल पी के अंदर लेकर आता हूं तो एल एल पी के अंडर होते हैं पार्टनर्स एल एल पी के अंडर होते हैं पार्टनर्स और ये पार्टनर आपस में कुछ लोगों को असाइन करते हैं वो बाय कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैं, मैं मैं बोल रहा हूं कि डोंट कंपेयर द कंसेप्ट वर्ड बाय वर्ड मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं तो पार्टनर्स आपस में मिल बांट के डिसाइड करते हैं कुछ पार्टनर्स को असाइन किया जाता है और उनको कहा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आई एम नॉट से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेज द कंपनी आई रिपीट मैं ये कहीं से भी इंप्लाय नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर काइंड ऑफ लाइक डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है फॉर द कंप्लायस ऑफ द एक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेप्ट क्या है यह मैं अब आपको टेक्निकली पढ़ाने जा रहा हूं ये तो मैंने कॉमन सेंस ऐसी एक जनरल आपको आइडिया के लिए मैंने बताया एंड आई एम नॉट गु टेक एनी क्वेश्चन ऑन डेट अब मैं चल रहा हूं आगे अब मैं चल रहा हूं अरे क्या है भाई मजाक चल रहे क्या यहाँ क्या है ये तो कौन है तो उसको स्क्रोल करते बैठेगा फालतू में ओके okay. तो so नेक्स्ट अभी देखते हैं वॉट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर जब भी ये सवाल आपको पूछेगा सबसे पहले आपको लिखना है एज पर सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज जे जे देखा तो ये जाना सनम क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच इन अंडर परसेंट ऑफ सेक्शन सेवन सेक्शन टू क्लॉज जे सब सेक्शन वन का क्लॉज जे ओनली डायरेक्ट द रीडर टुअर्ड्स सेक्शन सेवन अगर आप ध्यान से ये डेफिनेशन पढ़ेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर केवल इतना कहा गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर माने ऐसा पार्टनर जिसको डेजिग्नेट किया है आपने अंडर सेक्शन सेवन तो अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर समझना है तो आपको सेक्शन सेवन पढ़ना होगा तो आइए देखते हैं सेक्शन सेवन क्या है इसको भी प्लीज अपने आप अपने बुक्स में एकदम स्टार मार्क करके वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कर सकते

ध्यान से देखना है बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एवरी एल एल पी एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु विल कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम ये दो इंडिविजुअल है ना इनमें से एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन शुड बी ट रेसिडेंट इन इंडिया ओके सर लेटस अंडरस्टैंड सर वॉट डू मीन बाई टू इंडिविजुअल ओके तो बिफोर वी कंटिन्यू दिस सेक्शन सेवन मैं आपको कुछ दूसरा सेक्शन पढ़ाना चाहता हूं हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द एल एल पी मैं एक जनरल आपको सेक्शन पढ़ाना चाहता हूं हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ एल एलबी मैं आपको उसके डेफिनेशन पे भी पहले लेकर जाता हूँ फिर आपको सेक्शन पे फाइव पे लेकर जाऊँगा मेरे साथ घूमो फिर आपको सब समझेगा सेक्शन टू सेक्शन वन क्लॉज क्यू सेज पार्टनर इन रिलेशन टू एल एल पी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एल एल पी इन अकॉर्डेंस विद द एल एल पी एग्रीमेंट सेक्शन टू सेक्शन वन क्लॉज क्यू कहता है कि अगर कोई भी इंसान बाय एन एग्रीमेंट एल एल पी का पार्टनर बनना चाहता है इंसान यानी इंडिविजुअली बोला एनी पर्सन न पार्टिसिपेट वो अपना नाम डाल सकता है एल एल पी एग्रीमेंट में और ही कैन बिकम अ पार्टनर सवाल यह पैदा हुआ है कि इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन फाइव में सेक्शन फाइव क्या कहता है एनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब होता है इंसान मेल फीमेल वॉट एवर इंसान ठीक है एनी इपेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीट जेंडर इंसान ह्यूमन बीइंग एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट ओहो हो नो वॉट डू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन टू वन बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी इंक्लूड्स इंक्लूड एलएपी आउटसाइड इंडिया कंपनी आउटसाइड इंडिया डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कंपनी एल एल पी आपका ऐसा कहना है सर दैट एनी एलएलपी कैन इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी यस अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी बोलो कैन अ पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी कैन अ पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी हेलो क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या हेलो क्या हुआ भाई लैग हो रहा है क्या ये वीडियो कहाँ पर लैग आया नहीं है ना ओके okay. मैं रिपीट कर रहा हूं एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट में पार्टनर इन एन एल एल पी करेक्ट मेरा सवाल यह है क्या क्या एक पार्टनरशिप इंडिविजुअल होती है नहीं क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में आई नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म को प्राइमरीली स्पीकिंग वी आर नॉट देम टू ओपन एन एल एल पी बिकॉज ना ही वो इंडिविजुअल है ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है बताओ क्या एक कंपनी अंडर सेक्शन टू सबसे क्लॉज ट्वेंटी क्या कंपनी एल एल पी बना सकती है हेलो दे क्या ना कंपनी मेक इनकॉर्पोरेट एल एल पी आंसर इज यस सर अब वो स्मॉल कंपनियों वन पर्सन कंपनियों है ना वन पर्सन कंपनी केस में ऑफकोर्स आपको अपने साथ एक और पार्टनर रखना पड़ेगा uh, फिर uh, कोई भी हो कोई भी हो कोई भी हो, कोई भी हो.

एक फॉरेन कंपनी ने मिलकर एक एलएलपी बनाया इज इट पॉसिबल आंसर इज बिग फैट यस बिकॉज ऑल ऑफ देम आर बॉडी कॉर्पोरेट तो एनी इंडिविजुअल कैन बी अ पार्टनर और एनी बॉडी कॉर्पोरेट में ऑल्सो बी अ पार्टनर इन द एल लेकिन एज फार एज इंडिविजुअल्स आर कंसर्न एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन पार्टनर इन द एल एल If he has been found to be of unsound mind by the court, uh, uh, you know, having a jurisdiction, or he is an undischarged insolvent, or he has applied to be adjudicated as insolvent. He has applied to be adjudicated as insolvent. Let us understand the terms. What do you mean by? Okay? Let's try and understand. Insolvent ka matlab kya hota da? इंसॉलमेंट मतलब ऐसा इंसान जिसके असेट्स आर लोअर देन लाइबिलिटीज इज अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे ऑल इज व्हाट डू मीन बाय मीन बाय अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड जुडिकेटेड एज इंसॉलमेंट इसका मतलब होता है कोई एक बंदा है से मिस्टर ए, उसको लगता है कि वो इन, वो इंसॉल्वेंट है मिस्टर ए, और उसको लगता है कि वो इंसॉल्वेंट है तो उसने क्या किया उसने कोर्ट में एक डाला है और कोर्ट को कहा कि जज साहब आप मुझे बताइए वेदर आई एम इंसॉलवेंट और insolvent वो हीट नहीं है वो इंसॉल्वेंट है नहीं उसको लगता है कि वो इंसॉल्वमेंट है इसलिए उसने कोर्ट में एक दरखास्त डाली एक, एक एप्लीकेशन डाला है कि सरकार आप ही जरा चेक करके बता दो क्या मैं इंसॉल्वेंट हुई या फिर आता है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एडजुडिकेटेड एज इंसॉलमेंट मतलब ये ऐसा इंसान है जिसको कोर्ट ने कह दिया कि हां मुन्ना हा सही है यू आर इंसॉल्वेंट एजुटिकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब दे आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कोर्ट इन जूरिंगडिक्शन फिर आता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ये वो होता है उस जिसने अपने सारे लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है और अब ये इंसॉल्वेंट एक्चुअली नहीं है लेकिन क्योंकि इसने कोर्ट में जाकर इसने दरख्वास्त लगाई कि सर मैंने अपने सारे के सारे लाइबिलिटी पूरे पे कर दिए नाउ प्लीज डिस्चार्ज मी एज एन इंसॉल्वेंट प्लीज मुझे वापस से सॉल्वेंट बना दो तो बेसिकली दिस इंसॉल्वेंट इज अ सॉल्वेंट हैज बीन डिस्चार्ज बाय द कोर्ट अनचार्ज इंसॉल्वेंट इज स्टिल एन इंसॉल्वेंट स्टिल नॉट पेड ऑल ड्यूज और जो पे कर रहा है या करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं नाउ बींग एन इंडिविजुअल अब आप देखो अगर आप एक इंडिविजुअल हो ठीक है और अगर आप अनसाउंड माइंड के हो अनसाउंड माइंड आप सभी लोगों को समझते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट का, एक्ट में बढ़ा है मतलब पर्सन जिसको यू नो जो ड्रंक एंड या मैड है इंटॉक्सिकेटेड है वो सारे अनसाउंड माइंड या आप देखो कितना चल है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो यानी कि अभी भी आपने अपने सारे डेट पे नहीं किए लॉ ने आपको इंसॉल्वेंट बोला है और आपने अभी तक अपना पूरा डेट पे नहीं किया है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या, या यू आर अप्लाइड टू तो बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट आपको मैं एक बात कह दू एप्लीकेशन करने से आप इंसॉल्वेंट नहीं होते एप्लीकेशन करने से आप इंसॉल्वेंट नहीं होते मैं आपको बता दू ठीक है ना ये आई होप आपको ये समझे एप्लीकेशन करना है ना आपको लगता है कि आप इंसॉल्वेंट हो जब तक तो कोर्ट आपको एडजुडिकेट नहीं करता आप इंसॉल्वेंट नहीं रहेंगे लेकिन केवल एल एल पी केस में ऐसा होता है दैट इवन इफ यू अप्लाई टू बी एजुटकेटेड इंसॉलमेंट यू विल बी डिस अलाउड टू बी अ पार्टनर इन एन एल एल पी समझ में आया तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप अनसाउंड माइंड के हो या अनडिस्चार्ज इंसॉलमेंट हो या अप्लाइड टू बी एजुकेटेड इंसॉल्वेंट हो इन तीनों केसेस में यू विल नॉट बी अलाउड टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एल एल पी समझ में आया क्या हेलो एवरी वन क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर कट आ रही है यस yes. डिक्लेयर होने के बाद वो इंसॉलमेंट होता है यहां पर वो इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन एलएलपी बोलता है कि भाई अगर तेको दूर से भी लग रहा ना कि तो इंसॉल्वेंट है तो तू चला जा कोरोना में होता है ना क्या तुझे सर्दी हुई है जा जा गो कोरोना कोरोना गो अरे बोला मैंने अभी तक टेस्ट किया नहीं है मैंने अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट किया नहीं है मैंने सिर्फ सैंपल लेके गए नहीं 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 तुम दूर रहो जाओ क्वारंटीन हो जाओ जब तक आरटीपीसीआर टेस्ट में लिख के नहीं आता ना दैट नो यू डोंट हैव कोविड तब तक अपने कमरे से बाहर मत आना ये वही वाला सीन है आपको कोविड है नहीं इट हैज नॉट बीन प्रूव दैट यू यू हैव कोविड नाइनटीन अभी तो आपने सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट करके करने के लिए भेजा है तो भी आपको आइसोलेट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं भाई तू दूर रह तू दूर रह तू नहीं आने का घर अपने रूम के बाहर नहीं आने का भाई गो कोरोना कोरोना गो गो कोरोना सो अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इन में यू आर नॉट एन इंसॉल्वेंट बट स्टिल यू विल नॉट बी अलाउड टू यू नो टू बी अ पार्टनर नाउ वन थिंग आई हैव रियलाइज दैट इन ऑल दिस कॉम्बिनेशन एलएलपी कैन बी मेड इंडिविजुअल प्लस कंपनी इंडिविजुअल प्लस एल एल पी एल एल पी प्लस कंपनी कंपनी प्लस कंपनी इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस एल एल पी एल एल पी इनकॉरपोरेटेड और ऐसे मैं कितने चाहू उतने मैं यहाँ पर यू नो परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता हूं प्लस इसमें और इंडिविजुअल भी एड कर सकते हैं

एनी इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी ए पार्टनर इन द एल पी लेकिन अगर आप इन तीनों में से कुछ भी हो तो आपको हम आप पार्टनर बनने नहीं देंगे अब आ जाते हैं टूजे तो यह जाना सनाशन सेवन टूजे तो क्या बोलता है सेक्शन टू सबसे बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर माने वो लोग जिनको डेजिग्नेट किया है अंडर सेक्शन सेवन अब जब मैं सेक्शन सेवन पढ़ने आया तो सेक्शन सेवन पढ़ते हुए पता चला डेट एवरी एल एल पी टू इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी वॉट रेसिडेंट इन इंडिया माई क्वेश्चन टू यू इज वॉट इफ वॉट इफ योर एल एल पी कंसिस्ट ऑफ अ कंपनी प्लस अ फॉरन कंपनी प्लस एन एल एल पी प्लस एन एल एल पी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन चार लोगों ने मिलकर अगर एक एल एल पी बनाया है अब यहां पर तो एक भी इंडिविजुअल नहीं है एक सेकेंड यार कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यार क्या बात इतना कम स्पीड ओके आई थिंक कि मुझे आई थिंक कि मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज स्पीड बहुत कम दिख रहा है मे बी दैट इज द रीज़न तो आई थिंक स्पीड बहुत कम दिख रहा है मे बी दैट इज द रीजन कि ये अटक रहा है ठीक है अगर ज़्यादा दिक्कत होती है आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं क्लास uh, कैंसिल कर दूंगा अगर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मेरे हिसाब से आई डोंट नो वाई शुड नॉट हैपेंड ठीक है मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं लॉ क्या कह रहा है आपका दैट एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स आपको दो तो इंसान चाहिए है यू वॉन्ट टू इंडिविजुअल्स टू बी योर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इन रेसिडेंट इन इंडिया बट सर वॉट विल हैपन इफ इन योर एल एल पी दीज आर दार्टनर्स एक कंपनी है एक फॉरेन कंपनी है एक एल और एक एल एल पी आउटसाइड इंडिया है इन चार लोगों ने मिलकर एक एल बनाया है आप यू डोंट हैव एन इंडिविजुअल डोंट हैव इंडिविजुअल पार्टनर्स ना हाउ अगर आपके पास इंडिविजुअल पार्टनर्स है ही नहीं तो आप सेक्शन सेवन को फुलफिल कैसे करोगे बताओ एनी ब्राइट आइडिया अगर आपके पास है ही नहीं भाई आपके पास अगर इंडिविजुअल है ही नहीं हाउ विल यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन सेवन जरा बताओ मैं पूरा केस आपको दोबारा बताता हूं पूरा केस दोबारा बता रहा हूं

इंडिविजुअल्स एंड आउट ऑफ देम वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई एल एल पी ऐसी है जिसमें इंडिविजुअल पार्टनर है ही नहीं तो वो सेक्शन सेवन का कंप्लाइंस कैसे करेंगे तो ये बात लॉ को भी समझा लॉ मेकर्स को भी समझा कि इवन दिस इज पॉसिबल दैट देर इज एन एल एल पी विथ नो इंडिविजुअल पार्टनर्स इसीलिए उन्होंने पॉइंट नंबर टू बनाया पॉइंट नंबर टू इफ इन एन एल एल पी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉरपोरेट ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉरपोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज कॉर्पोरेट एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एल एल पी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या कहा उन्होंने बोले सर से फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा केस है जहां पर इंडिविजुअल है ही नहीं तो आप क्या करेंगे आप इनके नॉमिनी को बुलाएंगे अब सुनो मेरी बात कंपनी केस में कंपनी का कोई डायरेक्टर आ सकता है फॉरेन कंपनी के केस में उसका कोई डायरेक्टर आ सकता है नॉमिनी बन के ये लोग तो आ सकते हैं नॉमिनी बन के तो किसी भी दो पार्टनर के किसी भी दो पार्टनर के आप नॉमिनीज को यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो अगर आपके पास इंडिविजुअल नहीं है तो या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहां कभी कभी ऐसा भी हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आकाश प्लस एबीसी लिमिटेड प्लस एक्स एल एल पी इन तीनों ने मिलकर एक एल एल पी ओपन किया जिसका नाम था पी क्यू आर एल एल पी ठीक है अब यहां पे एक इंडिविजुअल है एक कंपनी है और एक एल एल पी है ठीक है नाउ यू वॉन्ट टू कंप्लाई विथ सेक्शन सेवन वॉट यू कैन डू इज आप एबीसी लिमिटेड या एक्स वाई जेड लिमिटेड में से किसी भी एक को बोल सकते हो कि आप अपना नॉमिनी ले आओ और मिस्टर आकाश को और उस नॉमिनी को मिला के आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो अगर मिस्टर आकाश डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनना चाहते तो आप एबीसी लिमिटेड और एक्सवाइजेड एल एल पी दोनों के एक एक नॉमिनी ले सकते हो और उनको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो तो देर आर मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल ठीक है पहला क्या है मिस्टर आकाश प्लस नॉमिनी ऑफ एबीसी लिमिटेड दूसरा पॉसिबिलिटी है आकाश प्लस नॉमिनी ऑफ एक्स एल एल पी तीसरा पॉसिबिलिटी है नॉमिनी ऑफ एबीसी प्लस नॉमिनी ऑफ एक्स वाइजेड ये बनेंगे अब आप इनमें से जो आपको सिलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी इनमें से जो आपको सिलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी एंड दिस गाइस विल बी कॉल्ड एस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और इनमें से किसी एक को और इनमें से किसी एक को रेसिडेंट इन इंडिया भी रहना पड़ता समझ में आया क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूं रिया सब समझाऊंगा रुको िया पूछिए सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल क्या है सब पढ़ाऊंगा रुको पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है कैसे बन सकता है वो समझ लो यहां तक समझा सबको यहां तक समझा सबको हेलो एवरीवन मैं दो मिनट रुकता हूं आप पहले मेरे को बताओ यहां तक आपको समझा क्या सब कुछ पक्का कसम से

If in an LLP all the partners are bodies corporate or in which one or more partners are individual and bodies corporate, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as a designated partner. नहीं पृथ्वी एक पार्टनर दो नॉमिनी नहीं ला सकता एक पार्टनर का नॉमिनी का कंसेप्ट क्या होता है बेटा नॉमिनी का आप ये सवाल पूछते हो ना पृथ्वी वॉट डू मीन बाय नॉमिनी दैट यू नॉमिनेट समवन टू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ ओके यू कैंट नॉमिनेट टू थ्री पीपल राइट यू विल नॉमिनेट वन पर्सन टू रिप्रेजेंट यू सो नो वन पर्सन कैन नॉट हैव मोर हैन वन नॉमिनी वंदना मैंने आपको कहा कि दिस विल बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स वंदना बोल रही है सर कौन से पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे दिस विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया जो जो बनना चाहे वो बन जाओ सारे बनना चाहते तो सारे बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है हालांकि आपको मैं बता दूं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने की कोई बेनिफिट नहीं है सिर्फ लाइबिलिटीज ही है कोई फायदा नहीं होता डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का ठीक है यस नेहा आई एम रिपीटिंग सेकेंड पॉइंट एक और बात ओके एक और बार शांति से एक और बार तो नेहा पहले आप मुझे बताओ हु कैन बिकम अ पार्टनर इन द एल एल पी तो उसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं सेक्शन टू वन क्यू सेक्शन टू वन बोल टू वन क्यू कहता है दैट एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एल एल पी इन अकॉर्डेंस विद एल एल पी एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज पार्टनर यानी कि अगर आपको पार्टनर बनना है तो आपको एल एल पी एग्रीमेंट में अपना नाम डालवाना होगा लेकिन सर कौन अपना नाम डलवा सकता है और कौन नहीं इसके लिए मैं आपको लेकर जाता हूं सेक्शन फाइव में सेक्शन फाइव कहता है दट एनी इंडिविजुअल कोई भी इंसान कोई भी इंसान और बॉडी कॉरपोरेट में बी अ पार्टनर इन द एल एल पी कोई भी इंसान और कोई भी बॉडी कॉरपोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी का बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो क्या सेक्शन टू सेक्शन वन क्लॉज डी कंपनी एलएलपी एल एल पी आउटसाइड इंडिया कंपनी आउटसाइड इंडिया नॉट इंक्लूड कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कंपनी एंड एल तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल ये लोग बन सकते हैं पार्टनर लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो और आप अनसाउंड माइंड के हो या एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो या अन डिस्चार्ज इंसॉल्व हो या अप्लाइड टू बी एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो आप लोग यू कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द एल ठीक है तो मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि पे इंडिविजुअल पार्टनर है ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल है नहीं सारे कंपनीज या सारे LLP और बॉडी कॉर्पोरेट ही पार्टनर है फिर जब मैंने सेक्शन नंबर सेवन पढ़ा तो उसमें पहला पॉइंट लिखा था दैट एवरी एलएलपी एल हैव टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में बोलता है और उसमें से भी एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए अब मुझे एक बात बताओ अगर मेरे एल में इंडिविजुअल है ही नहीं सिर्फ एग्जाम्पल दो कंपनी ने मिलकर एल बनाया है तो मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बनाऊ तो सेक्शन सेवन का सब सेक्शन टू कहता है ऐसे केस में बेटा डरो मत अगर आपके कंपनी में इंडिविजुअल नहीं है तो आप एक सिंपल काम करो जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है उनको अपने नॉमिनी बनाने बोलो और वो नॉमिनी को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो इज दिस पॉइंट नाउ क्लियर नेहा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके कंपनी में इंडिविजुअल्स नहीं है या इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिक्स है तो आप एक काम करो कोई भी दो इंडिविजुअल जो आपके पार्टनर है या कोई भी दो नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट उनको उठाओ और उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर मुझे चाहिए मतलब चाहिए और उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए अभी बताओ ये समझ में आया क्या अभी बताओ ये समझ में आया क्लियर मास्टर जी थैंक यू नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ए एल एल पी बाय द सेम एस एम वाई एल एल पी हैज थ्री पार्टनर्स एस आई लिमिटेड एम आई एस लिमिटेड एंड वाई आई प्राइवेट लिमिटेड तीन पार्टनर्स है

एग्जाम्पल नंबर टू देखो क्या कह रहे हैं ये इंस्टीट्यूट का बताया हुआ है है अब वो सही है, गलत है ये 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 मेरे को नहीं मालूम आप से पूछो ये जो यहां दिया ये सही है गलत है है सही गलत मुझे नहीं पता आप इंस्टीट्यूट से पूछो ये आपके नए मॉड्यूल में उन्होंने बताया उन्हें बोला आई प्राइवेट लिमिटेड तीन पार्टनर्स है तीनों के तीनों आप देख रहे हो तीनों के तीनों पब्लिक कंपनीज़ SI एक प्राइवेट कंपनी है दो पब्लिक कंपनी। एग्जाम्पल नंबर टू बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ एल एल पी इज टू हैव टू इंडिविजुअल द बॉडी कॉर्पोरेट ना मैंने आपको सेक्शन फाइव पढ़ाया करेक्ट मुझे बताइए सेक्शन फाइव पढ़ते वक्त क्या आपको ऐसा लगा दैट एवरी एल एल पी शुड है अभी मैंने आपको सेक्शन फाइव पढ़ाया ना क्या लिखा सेक्शन फाइव में एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी का

ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड आप लोग के ऊपर है ये आप से पूछो रिसर्च करो है ना? और आप मुझे बताओ कौन सा interpretation सही है? Institute ने interpretation लगाया है ने लगाया दो इंडिविजुअल आपको चाहिए एज अ पार्टनर एंड मैंने ऐसा इंटरप्रिटेशन लगाया कि अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल विल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर इंडिविजुअल नहीं है तो यहां पे और लिखा है और

तो भाई मैंने आपको हजार बार कहा है आईसीएआई भगवान है और इसके आगे हम नहीं जा सकते तो मैं आपको आईसीएआई का पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूं बाकी चॉइस इज योर्स आईसीआई कहता है दैट एवरी एल एल पी एवरी एल एल पी एवरी एल एल पी मस्ट हैव टू इंडिविजुअल्स एज पार्टनर टू इंडिविजुअल्स एज अ पार्टनर ये आपका कम अपना आई सी आई का मटेरियल कहता है ठीक है अभी एक मिनट है मैंने एल एल पी कल डाउनलोड किया था ना कहाँ गया एक सही है ना केस फिर आप एल एल पी ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो चाहिए मतलब चाहिए अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने रेडी नहीं है तो आप एल एल पी नहीं बना सकते डेजिग्नेड पार्टनर नहीं रहेगा तो एल एल पी बनेगा ही नहीं ना एल एल पी बन ही नहीं पाएगा फिर है ना सो यू कांट फॉर्म एन एल एल पी लाइक दैट यार मैं तो ये भी पढ़ रहा हूं तो मुझे वो नहीं लग रहा कि इंस्टीट्यूट वाला करेक्ट है बट आई मे बी रॉन्ग एज वेल दो मिनट दो यार मुझे थोड़ा सा टाइम दो मिनट दो आप लोग अभी अपनी बातें करते रहो अब देखो कि मैं कैसे पढ़ता था ये आपके सामने आज मैं बता रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ता था मैं ऐसे पढ़ता था मेरे को क्वेरी आती थी मेरे को कुछ चीजें पसंद नहीं आती थी तो मैं उस पर रिसर्च करता था आप लोग को भी ये मैं बताता हूँ इसी पे रिसर्च करो मुझे इस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ये फॉर्म्स ही दिए हुए हैं मैं आपको रिसर्च करके बताता हूँ थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ आपको इस पर ठीक है ये दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च बिकॉज मेरे को सारे नोटिफिकेशन अमेंडमेंट रूल्स गो थ्रू करने पड़ेंगे उसके बाद मैं कुछ ला सकता हूँ नहीं रही तो रूल्स आए उसका है ठीक है बट आई आई पर्सनली फील कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो मुझे लगता है कि सही है लेकिन पॉसिबल है इंस्टीट्यूट ने अगर बुक में मॉड्यूल में डाला है तो इंस्टीट्यूट ने कुछ अपना रिसर्च किया होगा तो ये जस्ट लेट प्लीज गिव मी एज एन होमवर्क दिस दिस गिव मी एज एन होमवर्क बिकॉज आई पर्सनली डोंट फॉलो दिस एल एल पीज दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ एल एल पी टू हैव टू इंडिविजुअल मेंबर्स एज पार्टनर्स

इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन वन एटी टू डेज ड्यूरिंग इमीडियटली प्रिडिंग वन फाइनेंशियल ईयर तो लास्ट वन ईयर में आप आउट ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन एटी टू डेज आप इंडिया में अगर हो तो यू आर रेसिडेंट इन इंडिया सो आउट ऑफ टू डेजिनेटेड पार्टनर वन शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अड ऑफ वन एटी टू डेज इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग वन फाइनेंशियल ईयर ठीक है कुछ बच्चे बोल रहे कि सर एग्जाम में वन ट्वेंटी डेज हो गया है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो बेटा आशीष भाई मैं वही आपको दिखाने के लिए अभी ये ओपन कर, कर रहा हूं रुक जाओ एक मिनट यारिटेट होता ना मेरे को, जिस दिन नेट नहीं चलता ना मेरा बहुत दिमाग अभी आज मेरे को इतनी सारी चीजें बतानी है और नेट नहीं चल रहा है यार बकवास बाजी हैचुनेटली मैं दिखा ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूं अभी क्या करूं बताओ क्या करू मैं मर जाऊ ये देखो सारे बच्चे जिंदगी में इससे कंफ्यूज हो गए जितने भी बच्चे यहां क्लास में हैं वो सब इससे कंफ्यूज हो गए जरा दो मिनट सुनो मेरी बात सुनो हेलो 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 प्लीज मेरी बात सुनो लेट मी फिनिश देन यू टॉक लेट मी फिनिश देन यू टॉक लेट मी फिनिश देन यू टॉक दिस इज एन आर फॉर नवंबर ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स इसमें एक अमेंडमेंट आया कहां पर अमेंडमेंट आया वन पर्सन कंपनी के केस में रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन चेंज करके वन एटी टू से वन ट्वेंटी डेज कर दी गई ठीक है फिर उसके आगे और बहुत सारे डेफिनेशन अमेंडमेंट आए ठीक है और फिर क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ क्या आपको यहां पर कहीं एल एल पी का अमेंडमेंट दिखा क्या आपको कहीं एलएलपी में बोला गया कि एल एलपी में सर वन एटी टू को कट करके वन ट्वेंटी करना है किसी को दिखा एल एल पी में किसी को दिखा है एल एल पी में नहीं है आपको मैं पूरा एल एक्ट दिखाया करेक्ट एल एक्ट में कभी आपको दिखा नहीं था मैंने आपको अमेंडमेंट सर्कुलर बताया क्या अमेंडमेंट सर्कुलर में कहीं है नहीं है तो जब कहीं पर भी नहीं है तो आप जबरदस्ती इसको 180 से 182 से 182 120 क्यू करना चाहते हो मुझको बताओ कंपनीज एक्ट में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो पूरी दुनिया के एक्ट में वो चीज चेंज हो जाएगी क्या एनी चेंज मेड इन कंपनीज एक्ट डज दैट मीन द सेम चेंज विल बी डन एवरीवेयर इन ऑल द एक्ट्स ज देर एन रूल नहीं देना है आई कूड इजिली रिप्लाई डू से सिंपल आंसर आई वॉन्ट टू गिव यू थॉट फूड फॉर थॉट क्यों कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट आप एल एल पी एक्ट पे क्यों लगाना चाहते हो दिक्कत क्या है क्या है there is an llp by the name of indian helicopters llp having five partners mr a non-resident mr b non-resident miss c resident mr miss d resident miss e resident in this case at least two should be named as designated partner out of which one should be resident hence mr a and mr b are designated then it will not serve the purpose q because a or b dono non-resident so it will not serve the purpose

या आप बी और सी ले लो बी और डी ले लो बी और ई e ले लो आप ए और बी नहीं ले सकते दैट्स इट एंड ऑफ द स्टोरी ए और बी को छोड़ के आपको जो लेना है पार्टनर ले लो है ना ये सारे अलाउड है बाकी बाकी सारे अलाउड है लेकिन ए और बी नहीं बिकॉज दोनों नॉन रेसिडेंट है आउट ऑफ टू डेजिग्नेट डायरेक्टर्स वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया करेक्ट तो अलाउ मी समाइम फॉर एग्जाम्पल नंबर टू आई डो नॉट एग्री विद दैट इंटरप्रिटेशन अनफॉर्चुनेटली आई डोट है पावर टू चेंज दैट तो आई थिंक यू शुड ऑल यू शुड ऑल कलेक्टिवली आप लोगों ने ई मेल भेजना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि सर इस पर क्लैरिफिकेशन दो हमको नहीं समझ में आ रहा है ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से आया है कोई सर्क्यूलर है कोई नोटिफिकेशन है कोई रूल है कहाँ आपने पढ़ के ये लाया है मैं गलत हो सकता हूँ मैं तो मान रहा हूँ ना मैं गलत हो सकता हूँ मेरा नॉलेज कम हो सकता है आई डोंट माइंड अगर कोई मुझे करेक्ट आंसर बता दे कोई और फैकल्टी हो कोई मुझे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे बस ये इसके क्रक्स तक जाना है कि क्या सही हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो ताकि मैं अगली बार अगले बैच में इसको सही से पढ़ा दू बिकॉज मेरा इंटरप्रिटेशन और इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा मैच नहीं कर रहा है यार मेरा तो इंटरप्रिटेशन और इसका इंटरप्रिटेशन मैच नहीं कर रहा ठीक है थीके? ओके okay. तो चल देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें कल मैं इस इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल लेकर आपके सामने आता हूं अगर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत रहा तो मैं वो भी आपके सामने कल ले आऊंगा और जो भी है जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं कल आपके सामने लेकर आता हूं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा आपको अगर कहीं इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प करने के लिए आप इसका सही इंटरप्रिटेशन डाल सकते हैं इट uh, मे मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छी होगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा होगा मैं मतलब उससे क्या होता है ना आपका एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा आपका सच ढूंढ निकालने का पावर बढ़ेगा तो प्लीज फाइंड द ट्रूथ लेट मी नो डोंट फर्गेट टू बाय प्लस स्किल बहुत सारे बेनिफिट्स है आइकॉनिक भी आप ले सकते हो उसके एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं डाउनलोड द फ्री ऐप एंड सिलेक्ट प्लस एंड थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ये सारे ऑप्शन है एंड आइकॉनिक सिक्स ट्वेल्ल ट्वेंटी फोर सारे ऑप्शन है ठीक है कॉम्बो भी अवेलेबल है उसको चेकआउट करिए सारे ऑफर्स अवेलेबल है कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Uh, मैं आपको बता दूं कल मैं सुबह दस बजे आने वाला हूं और हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं आप लोग आ सकते हैं सुबह दस बजे स्पेशल क्लास फ्री क्लास में उसके बाद बारह बीस में मैं रिज्यूम राइटिंग राइटिंग करने वाला हूं और पाँच बजे कल हम लोग ये एलएलपी को आगे बढ़ाने वाले हैं सो थैंक यू वेरी मच सी यू टुमोरो गॉड ब्लेस यू लॉट्स ऑफ लव टेक केयर एंड बाय बाय अगला क्लास मोनी सर का है तो मोनी सर का क्लास बिल्कुल ज्वाइन किए बिना जाना नहीं ठीक है मोनी सर का क्लास है ना आज मोनी सर का क्लास की नहीं है आज तो मुझे मॉनि सर का क्लास नजर नहीं आ रहा है ना एक बार चेक कर लेना आप लोग